फ्लॉप की किसकी बात करना है, फ्लिप फ्लॉप। तो फ्लिप फ्लॉप जिसमें बड़े सारे बच्चों को परेशानी भी आ रही है, बड़े सारों ने लो मेल्स के कि ये समझाओ में, तो इसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले जो हमें फ्लिप फ्लॉप में समझना है, दैट इज सिक्वेंशियल सर्किट। सिक्वेंशियल सर्किट, व्हाट इज सिक्वेंशियल सर्किट? तो इसकी डेफिनेशन हम पहले बात कर लेते हैं, जिससे हमें कॉम्बिनेशनल सर्किट और सिक्वेंशियल सर्किट में डिफरेंस पता चलता है। तो इसमें लिखो इन सिक्वेंशियल सर्किट द प्रेजेंट आउटपुट depends upon the present input as well as the past output सिक्वेंशियल सर्किट है क्या? हम एक डायग्राम बनाते हैं। इसमें हमारे n नंबर ऑफ इनपुट्स है एंड m नंबर ऑफ आउटपुट्स है। ये आउटपुट मैंने बोला इन सिक्वेंशियल सर्किट the present output depends upon the present input as well as the past output। तो past output हमें स्टोर करना पड़ेगा जब भी, तो हम next time present output पे past output का यूज़ करेंगे, तो ये हमारा एक memory element में स्टोर हो जाता है। ये output एक memory element में स्टोर हो जाते हैं, memory element में स्टोर हो जाएंगी आउटपुट, एंड देन ये आउटपुट एज एन इनपुट का काम करेंगे। नेक्स्ट वाले एज एन इनपुट का काम करेंगे नेक्स्ट टाइम। इट स्टोर्स द आउटपुट टिल वी अगेन गोइंग टू यूज इट। ये आउटपुट स्टोर कर लिया जब तक हम अगली बार यूज ना करें इसको, ठीक है? इट स्टोर्स द आउटपुट टिल वी अगेन गोइंग टू यूज इट। तो जैसे मैंने इनपुट दिया I1, I2, I3, देन आउटपुट कम्स आउट O1, O2, O3 एंड दिस आउटपुट स्टोर्स इन दिस, एंड व्हेन आई मेक अनदर इनपुट I4, I5, I6, देन इट यूज देन द आउटपुट O4, O5, O6 यूज दिस प्रीवियस आउटपुट एज एन इनपुट एंड गिव्स आउट द प्रेजेंट आउटपुट, ठीक है? तो दोनों पुराना वाला आउटपुट भी इस बार इनपुट का काम करेगा और देन O4, O5, O6 हमारा मिलेगा। अब ये मेमोरी एलिमेंट है क्या? दिस मेमोरी एलिमेंट इज नथिंग बट इट इज जस्ट अ फ्लिप फ्लॉप। यही हमारा फ्लिप फ्लॉप है, इसी को हम फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं। यही हमारा फ्लिप फ्लॉप। तो अब हम बात करते हैं फ्लिप फ्लॉप की। फ्लिप फ्लॉप से पहले हमें कुछ एक दो बातें और करनी होती है। SR लैच, ये सब की हम थोड़ी बहुत बातें करेंगे जिससे हमारी चीजें क्लियर होगी। तो हम बात करते हैं सबसे पहले SR लैच। व्हाट इज आर SR लैच? ये SR लैच है क्या? लैच का मतलब समझते हो? लैच, लैच क्या है? द बेसिक स्टोरेज एलिमेंट इज नोन एज लैच। ये एक स्टोरेज एलिमेंट को हम लैच कहते हैं। द बेसिक स्टोरेज एलिमेंट इज कॉल्ड लैच, ठीक है? तो मतलब ऐसा लैच क्या करेगा? हमारे इसमें इलेक्ट्रिक साइंस क्या होता है, या तो जीरो होता है या वन होता है। तो इट स्टोर्स इधर जीरो और इधर वन,
या तो ये जीरो स्टोर करेगा या तो ये वन स्टोर करेगा, इसके अलावा और तो कुछ नहीं स्टोर करेगा। अब एस आर लैच के टाइप्स क्या है, एस आर लैच के टाइप्स क्या है? एस आर लैच जनरली दो तरह का होता है, जनरली दो तरह का होता है। फर्स्ट वन इज नैंड एंड सेकंड इज नॉर। ठीक है, सबसे पहले हम नॉर एस आर लैच लेंगे, देन नैंड एस आर लैच की भी हम बात कर लेंगे अगर हमें करनी होगी तो। ठीक है, तो हम बात करते हैं नॉर एस आर लैच, नॉर एस आर लैच, एस आर लैच। तो नॉर एस आर लैच की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले नॉर है तो नॉर का गेट बनेंगे, नॉर के गेट बनाएंगे, बड़ा इजी है। नॉर के दो इनपुट्स एंड एक आउटपुट, ये हो गया इसका इनपुट। इसका आउटपुट जो है इसका इनपुट स्टोर करेगा, क्यों करेगा? इसका आउटपुट इसका इनपुट स्टोर करेगा। वो क्यों करेगा? क्योंकि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, फ्लिप फ्लॉप। इट इज अ सिक्वेंशियल सर्किट विच स्टोर्स द आउटपुट एज एन इनपुट। आउटपुट हमारा इनपुट में जाके स्टोर हो गया, आउटपुट जो है स्टोर हुआ एंड देन वी यूज इट एज एन इनपुट। ठीक है, तो अब एक और होगा हमारा, ठीक है, दिस इज माय एस, दिस इज माय आर, लेट इट बी क्यू एंड दिस बी क्यू बार। या मैंने एस लिया और एक आर लिया, एस आर का मतलब क्या, ये समझ आता है? एस और आर का मतलब क्या है? एस आर का ये मतलब है, एस मीन्स सेट एंड आर मीन्स रीसेट। सेट डिनोट्स दैट इज क्यू एंड सेट। व्हेन एस इज सेट देन माय क्यू इज इक्वल्स टू वन, अदरवाइज माय क्यू इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो अब देखो हम एस आर लैच की बात करते हैं। सबसे पहले हम केस वन की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं केस वन की। व्हेन माय एस इज इक्वल्स टू जीरो एंड आर इज इक्वल्स टू वन, आर इज इक्वल्स टू वन,